हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z5 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है मैग्निफिकेशन सेटिंग को अपना यूज़ कैसे कर सकते हैं और ये मैग्निफिकेशन सेटिंग जो है कैसे काम करती है, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन करिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इसे सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा एक्सेसिबिलिटी, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा मैग्निफिकेशन का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब ये मैग्निफिकेशन का पेज ओपन होगा, इसमें आपको नीचे मैग्निफिकेशन शॉर्टकट ऑफ ये ऑप्शन मिलेगा, इसके नेम के ऊपर आपको टैप करना है तो आपका मैग्निफिकेशन शॉर्टकट का एक न्यू पेज आएगा। इस पेज में आपको दो ऑप्शन दे रखे होते हैं, इन दोनों में से आपको कोई भी एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। मैं ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेता हूं, बॉक्स में राइट टिक लगाना है, इसके बाद आपको नीचे ये सेव का बटन सेलेक्ट करना है। अब यहां पर आपकी मैग्निफिकेशन सेटिंग ऑन हो जाएगी और आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर ये मैग्निफिकेशन का एक शॉर्टकट बटन आपको दिखाई देगा, ठीक है। इस मैग्निफिकेशन सेटिंग को आप ना किसी भी पेज में, किसी भी ऐप के अंदर आप कभी भी इसका यूज कर सकते हैं। यूज कैसे करना है, देखिए ये जो मैग्निफिकेशन शॉर्टकट बटन है इसे आपको एक बार दबाना है तो आपकी जो है ना ये छोटी सी स्क्रीन आ जाएगी और यहां पर दोस्तों आपको ये छोटी स्क्रीन के अंदर ये हाथ दिख रहा है ना, ब्लैक कलर का हाथ, इसे आपको उंगली से दबा के रखना है और इसे आप पूरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर घुमा सकते हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे लेटर जो है कितने ज़्यादा बड़े दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना आपको करना क्या है, नीचे की साइड ये जो है ना ये ब्लैक कलर का एरो का ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसे दबाना है तो आपकी छोटी सी स्क्रीन ना बड़ी हो जाएगी। अब इस बड़ी सी स्क्रीन को आप ना दो उंगलियों से ऊपर नीचे आगे पीछे आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक उंगली से काम नहीं करेगा, दो उंगलियों से आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है ना आप स्क्रीन को इस तरीके से छोटा कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। इस मतलब इसका जूम छोटा या बड़ा इस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों इस सेटिंग का हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी पेज में कोई भी छोटी छोटी इमेज या लेटर वगैरह हमें बड़ा करके देखना होता है, तब हम इस सेटिंग का यूज़ करते हैं मैग्नीफाई करने के लिए। दोस्तों मैग्नीफिकेशन सेटिंग से एक फ़ायदा ये होता है, इससे जूम करके बड़ा करके देखने के लिए, कि इससे जो भी वो छोटी छोटी चीज़ है ना वो जैसी कंडीशन में होगी वैसी ही आपको जूम ज़्यादा करने पे वैसी की वैसी दिखाई देगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ना आपके ये ब्लर नहीं होता, इससे अगर आप जूम ज़्यादा करेंगे तो ब्लर नहीं होता है, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये सेटिंग जो है ना इस तरीके से काम करती है। अगर आपको मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को नॉर्मल कंडीशन में करना है तो आपको मैग्नीफिकेशन का शॉर्टकट बटन एक बार फिर से आपको दबाना है, ठीक है, तो आपकी स्क्रीन नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। तो ये सेटिंग जो है ना इस तरीके से काम करती है आपकी मैग्नीफिकेशन।